मधुपुर अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय में SDPO विनोद रवानी ने प्रेस वार्ता कर बताया, बीते दिनों पाथरोल थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की मोबाइल, 1 चाकू, 2 बाइक जब्त की है। मामले को लेकर आगे उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, गिरफ्तार चारों आरोपी देवा यादव, प्रदीप यादव, दिवाकर दास, राजा सिंह ने गत 6 सितंबर की रात चरपा बिल्ली मार्ग पर उत्तम कुमार यादव पीड़ित का मोबाइल मारपीट कर छीनकर फरार हो गया था। वो इस मामले को लेकर उत्तम कुमार यादव द्वारा पथरोल थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपी को जेल भेज दिया। मौके पर अंचल पुलिस निरीक्षक रामदयाल मुंडा, पथरोल थाना प्रभारी मनीष कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दिनांक 6/9/21 को करुण मातो थे, अपने गांव जा रहे थे पथरोल थाना अंतर्गत, तो इनको 4 व्यक्तियों ने रोककर इनसे लूटपाट के इरादे से इनको रोका। ये 4 लोग 2 बाइक में सवार थे और इनको एक छुरा दिखाकर लूटने का प्रयास किया, पर इनका पैसा नहीं था तो इनका मोबाइल छीन लिया और इनको बोला कि कहीं बोलोगे तो जान मार दूंगा। उसी संदर्भ में आज थाना प्रभारी पथरोल के नेतृत्व में इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया, 1 मोबाइल और डराने में जो छुरा का उपयोग किया गया उस छुरा भी जब्त किया गया है। इन चारों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक आदमी देवा यादव का आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी यह जेल जा चुका है।